फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं ओट्स उपमा, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बनता है। ऐसे टेस्टी ओट्स उपमा के लिए मैंने ली है 1 कटोरी उपमा। उसके अलावा फूलगोभी है, शिमला मिर्च है, बारीक कटा प्याज, टमाटर, करिया पत्ती, हरी मिर्च। सब्जियाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। फिर मैंने लिया है चना दाल, 1 स्पून मूंगफली, तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों, हल्दी, नमक और तेल और थोड़ा सा हींग। अब मैंने रखा है एक पैन, पैन जैसे गर्म हो गया, इसमें मैंने डाले हैं ओट्स। ओट्स डाल के हम लोग इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन है वो निकल जाए। हम लोग ओट्स को अच्छे से नहीं भुनेंगे तो उपमा खिला खिला नहीं बनेगा, चिपचिपा बनेगा और थोड़ा सा कच्चापन का स्मेल आएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल वाले ओट्स यूज़ किए हैं। उसके बाद ओट्स भुन गया, मैंने उसे निकाल लिया। निकाल के उसी पैन में मैंने डाला है 1 स्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो गया, उसमें मैंने डाला है मूंगफली। मूंगफली की जगह आप चाहो तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मूंगफली को हल्का भून के मैं इसे निकाल के इसे मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। मूंगफली फ्राई हो गए हैं, मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब सेम इसी पैन में मैं बना रही हूँ ओट्स उपमा। सबसे पहले मैंने डाला है चना दाल, जैसे ये थोड़ा सा भुन गया है, 1-2 सेकेंड बाद मैंने डाला है जीरा, सरसों, दोनों मिलके 1/2 टीस्पून है। इसको अच्छे से भुनना है। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा, मैंने इसमें डाला है हींग। हींग अराउंड 1/4 टीस्पून है, आप 3 चुटकी भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा प्याज। प्याज डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। फिर मैंने डाला है बारीक कटा हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। थोड़ा सा भुन के अब डालने वाली हूँ वेजिटेबल्स, जिसे हमने काट के रख लिया। यहाँ पे मैंने गोभी, शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो बीन्स, गाजर, जो वेजिटेबल आपको पसंद है उसका इस्तेमाल करना। डाल के अब थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती। करिया पत्ती मैं अभी डाल रही हूँ, आप चाहो तो तड़का लगाते समय भी डाल सकते हो। करिया पत्ती डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको थोड़ा सा भून के मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा टमाटर। टमाटर डाल के अब मैं इनको अच्छे से भूनूंगी, थोड़ा सा नमक डाल के। नमक डालने से वेजिटेबल थोड़े से जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी का मैं बाद में डालूंगी। अब इसको 1-2 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है। जैसे ही सब्जियाँ पक जाएगी उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो हल्दी स्किप भी कर सकते हो। हल्दी डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, अगर आपको स्पाइसी टेस्ट पसंद है तो। अब मैंने डाला है ओट्स। ओट्स डाल के 1-2 मिनट तक मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से भुना है। अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम लोग गर्म पानी डालेंगे। उसके लिए मैंने दूसरी तरफ पानी गर्म होने रख दिया है। ये ओट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे आप एज अ ब्रेकफास्ट भी दे सकते हो, लंच में खा सकते हो। जिसको वेट लूज करना है उसके लिए तो एकदम बेस्ट है और बहुत जल्दी भी बनता है। अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है 2-3 मिनट तक। उसके बाद पानी भी गर्म हो गया और जिस कटोरी से मैंने ओट्स लिया है सेम उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी डालोगे तो उपमा खिला खिला नहीं बनेगा, चिपचिपा बनेगा। इसमें डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद मिक्स करके 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है ढक के। 3 मिनट बाद चेक किया तो इसमें हल्का सा नमी है, तो मैंने मिक्स करके 1 मिनट के लिए और ढक दिया है। इसमें नमक आप पहले भी डाल चुके हो, बाद में भी, तो नमक आप देख के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब मैं चेक कर रही हूँ, उपमा एकदम अच्छे से बन के रेडी है, खिला खिला भी बना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा धनिया पत्ती। उसके बाद फ्राई किए हुए मूँगफली डाल के एक बार मिक्स करके मैं इसे ढक दे रही हूँ। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी ओट्स उपमा बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।